बिसम अल्लाम खुश रहें आबाद रहें अपने अपने घरों में अल्लाह के पनाह में रहें आज मैं आपके साथ गर्मियों के लिए बहुत बेस्ट ड्रिंक शेयर करने वाली हूँ ये है कच्चे आम का पन्ना या कच्चे आम का शरबत ये कैसे बनता है और आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए कैसे फ्रीज़ कर सकते हैं काफ़ी अरसे तक का आप इसको पी सकते हैं ये है मेरे पास पाँच किलो आम लेकिन मैं आपके साथ आधा किलो आम की रेसिपी शेयर करूंगी मैं कुछ आम छील चुकी हूँ पिलर के साथ आप भी छील लीजिएगा मैं बाकी के आम जो है वो आपके साथ शेयर नहीं करूंगी क्योंकि फिर वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाती है ये आधा किलो मैं आम आपके लिए अलग निकाल के इसके साथ आपको शरबत बनाना बताऊँगी आमों को छीलने के बाद आप आप इसके टुकड़े काट लें ऊपर से इसके जितना भी गुद्दा होगा आप छुरी के साथ तो इसके फंके काट के निकाल लें और गुठलियाँ फेंकें नहीं गुठलियाँ भी इसी के साथ रहने दें ये इतना ठंडा और इतना लू के दिनों में ये जो लोग लू के दिनों में बाहर काम करते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा शरबत है ये उनको लू लगने से बचाता है आप ज़रूर बनाएं अपने घर के अफराद को दें बच्चों को दें ताकि उनको लू ना लगे इसको छीलने के बाद अब इसको मैं इसमें डालूँगी डेढ़ पाव चीनी आधा किलो में डेढ़ पाव डाल लें अगर आप ज़्यादा चीनी खाते पीते हैं तो आप इसमें आधा किलो बराबर की चीनी डाल लीजिएगा चीनी डालने के बाद आप इसको दो तीन घंटे के लिए छोड़ दें अगर नहीं छोड़ना तो फिर आपको इसके अंदर पानी डालना पड़ेगा अभी मैं आपको पानी डाल के ही बताऊंगी क्योंकि ये अभी इसमें कोई पानी नहीं है जब हम इसको पकाएँगे तो ये जल जाएगा इसलिए अभी अभी आपको दिखाने के लिए मैं इसमें डालूंगी दो गिलास पानी दो गिलास पानी डाल के इन कच्ची कैरियों को मैं पकाऊंगी, इतना पकाऊंगी कि इसकी फांके जो हैं गूदा जो है वो बिल्कुल गल जाए अगर पानी कम लगे तो अब दोबारा थोड़ा सा पानी डाल के इसको बिल्कुल नरम कर लीजिएगा यह सख्त नहीं होनी चाहिए जब ये पक जाए नरम हो जाए तो फिर आप इसकी गुठियाँ गुठलियाँ जो हैं वो चम्मच के साथ ज़रा मिक्स करें उसके ऊपर का बाकी का गुदा उतर जाएगा तो फिर गुठलियाँ आप निकाल के फेंक दें अब ये देखें ये बिल्कुल इसका जो ऊपर का गुदा है आम की फांकें वो गल चुकी हैं अब इन गली हुई फांकों को चीनी के मिक्सचर के साथ पक चुकी हैं अब मैं इसको एक ब्लेंडर जार में डाल के तो फिर इसको हम ब्लेंड करेंगे साथ इसमें कुछ मसाले हैं जो डालने बहुत ज़रूरी हैं जिसकी वजह से ये शरबत बहुत मज़े का और बहुत ठंडा बनता है जो आपके जिगर को भी ठंडक देता है और आपकी बॉडी को भी ठंडा रखता है इसमें अब हम डालेंगे मसाले मसालों में है काली मिर्चें काली मिर्चों का पाउडर हाफ टी स्पून और एक टेबल स्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा सफ़ेद नमक हाफ टेबल स्पून और काला नमक एक टेबल स्पून ये तमाम चीज़ें डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लें इसमें कोई मोटा टुकड़ा नहीं होना चाहिए बिल्कुल समूद इसकी पेस्ट जब बन जाएगी तो आप इसको निकाल के एक डिस्पोजिबल डब्बे में डाल के छः महीने आठ महीने तक आप इसको आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं ये ख़राब नहीं होगा ना ही इसका टेस्ट ख़राब होगा अगर आप इसको एक महीने तक नीचे फ्रिज में रख के भी यूज़ करेंगे तब भी ये ख़राब नहीं होगा लेकिन शर्त ये है इसमें गीला चम्मच नहीं डालना आपने ना ही किसी चीज़ का चम्मच डालना है आपने जब भी चम्मच इसमें डालना है बिल्कुल फ्रेश और साफ़ सुथरा चम्मच डालना है जो खुश्क हो और इसको शरबत बनाने के लिए इस मिक्सचर को आप दो टेबलस्पून एक गिलास में डालिएगा साथ में अगर आपको फ्लेवर पसंद हो तो चंद पत्ते जो है पुदीने के डाल के अगर आप खट्टा ज़्यादा पसंद करते हैं तो थोड़ा सा लेमन जूस डाल लीजिएगा एक टेबलस्पून लेकिन मैं नहीं डाल रही क्योंकि हमारी कैरियाँ बहुत खट्टी थी ज़्यादा खट्टा ना हो इसलिए मैंने लेमन नहीं डाला अगर आप डालना चाहते हैं आपकी कैरियाँ खट्टी नहीं है तो आप डालें और इसको बाकी को मैं फ़्रीज़ कर लूँगी काफ़ी देर तक काफ़ी महीने तक हम हाँ इसको, इसको इस्तेमाल करेंगे हंसब ज़रूरत आप इसमें बर्फ़ डालें बर्फ़ क्यूब डालने के बाद इसमें डालें आप पानी और गिलास को भर लें पानी से और इसको चम्मच के साथ मिक्स करें अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे तो आपका शरबत बिल्कुल तैयार होगा आप एक दफ़ा पका के इस शरबत के मिक्सचर को रख लेंगे तो आप बहुत आसानी से झटपट बच्चों को शरबत बना के दे सकते हैं अब बच्चे खेल के वापस आते हैं तो उनको कुछ ना कुछ ठंडा पीने के लिए चाहिए तो आप उनको ये दें ये बहुत हेल्दी और बहुत मज़े का है अगर आपको ये शरबत पसंद आए लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें अल्लाह हाफ